अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। नीली शिकारी आँखें, जंगजू नाक, चेहरे पर दानिशवाराना झुरियाँ, सर पर लंबे लंबे शायराना बाल, लंबी फ़लसफियाना दाढ़ी और गाल पर काला तिल, जो इंसानी नफ्सियात पर अबूर रखने की वाज़ह अलामत है। मज़बूत और तवाना जिस्म, दराज कद, नाबगाए रोज़गार शख्सियत के मालिक, पश्तो ज़बान के अजीम कौम परस्त और वतन परस्त शायर, अदीब, सरदार, फलसफी, सियासतदान, शिकारी, हकीम और जंगजू, ये थे खुशहाल खान खटक, जिनके मज़ार पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। वैसे तो अकोड़ा खटक की जो पहचान है आलमी सतह पर आमतौर पर दारुल उलूम हक्कानिया से की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि दारुल उलूम हक्कानिया जिस शहर में मौजूद है यानी अकोड़ा खटक में, उसकी बुनियाद खुशहाल खान के पुरखों ने रखी थी। खुशहाल खान मुग़ल बादशाह जहांगीर के अहद में सरदार शहबाज खान, जो खटक कबीले के सरदार थे, उनके यहाँ 1613 ईस्वी में अकोड़ा खटक में ही पैदा हुए। वो अपने भाई जमील खान अलमारूफ फ़कीर जमील बेग और सौतेले भाइयों शमशीर खान और मीर बास खान से उम्र में बड़े थे। 6 साल के थे कि उन्हें एक दिन घर की खादमाएँ अपने साथ दरियाए काबुल में सराय अकोड़ा के घाट पर ले गईं। वो ख़ुद तो कपड़े और बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गईं, जबकि नन्ना खुशहाल दरिया के किनारे नहाने लगा। इसी दौरान पानी का एक ज़ोरदार रेला आया और उसे अपने साथ बहा ले गया। उन खादमाओं में दौलतई नामी एक खादमा की वो भी थी। उसकी नज़र खुशहाल खान के बालों में बंधे रेशम के तारों पर पड़ी, जो सतह आप पर यानी पानी की सतह पर तैरते जा रहे थे। दौलतई ने रेशम का गुच्छा समझकर जूं ही उसे पकड़कर ज़ोर से खींचा तो उसके मुँह से एक आह निकली, क्योंकि उस गुच्छे के साथ वो खुशहाल खान को भी पानी से बाहर निकाल लाई थी। दौलतई चिल्लाने लगी। दूसरी नौकरानियाँ भी ये चीखों पुकार सुनकर वहाँ पहुँच गईं। खानजादे को बेहोश देखकर सबको अपनी जान की पड़ गई। खानजादे का पेट दरिया के पानी से इतना भर चुका था कि उसके मुंह से पानी बह रहा था। नौकरानियों ने जल्दी जल्दी उसे पेट के बल लिटा दिया ज़मीन पर या एक कहते हैं गढ़े के किनारे, और उसके पेट में भरा पानी बाहर निकालने की कोशिशें करने लगी। थोड़ी देर में वो इसमें कामयाब हो गई और खानजादे को भी होश आ गया। ये देखकर नौकरानियों ने इत्मीनान का सांस लिया। खुशहाल खान के साथ सिर्फ यही एक वाक़ पेश नहीं आया, बल्कि इसके 2 साल बाद खुशहाल बाबा एक और दिन सख्त गर्मी के मौसम में अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ एक छप्पर के नीचे खेल रहे थे। इसी दौरान ज़ोरदार आंधी आई और छप्पर पर पड़ी चटाई को, जिस पर कुछ भारी पत्थर भी रखे हुए थे, आंधी ले उड़ी। छप्पर तो अल्लाह जाने उड़कर कहाँ चला गया, लेकिन उन पत्थरों में से एक पत्थर खुशहाल खान के सर पर गिरा और बालों की मांग के बराबर उनके पेशानी को चीर डाला। बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े और कई दिनों तक मरहम पट्टी करने के बाद उनका ज़ख्म ठीक हुआ। खुशहाल खान ने अपने ज़माने की राइज इब्तदाई तालीम अपने घर और मस्जिद के असातिज़ा से हासिल की, मगर पढ़ाई से ज़्यादा उनकी तवज्जो शिकार खेलने की जानिब रही, क्योंकि उनके घर और हुजरे में हर तरफ नेज़ों, तीर कमान, बर्छों, तेज़ धार छुरियों, तलवारों और बंदूकों के अंबार लगे रहते थे। उनके ख़ानदान के तमाम अफराद के 2 बड़े मशागल थे, एक शिकार खेलना और दूसरा जंगो जदाल में मसरूफ़ रहना। यही वजह थी कि खुशहाल खान को बचपन से ही शिकार खेलने का चस्का पड़ गया। वो खुद एतराफ़ करते हैं कि पूरे जहान की तालीम और तहसील मेरी होती अगर मैं शिकार के शुगल में मुब्तला ना रहता। बचपन में छोटे छोटे परिंदों और जवानी में हिरनियों खरगोशों का शिकार खेलते थे। उन्हें बाज पालने का बहुत शौक़ था और इतना शौक़ था कि बाज नामा के नाम से एक भरपूर और पूरी मंजूम किताब भी लिखी, जिसमें बाज पालने के तौर तरीक़ों से लेकर उसके जुमला अमराज, इलाज और दवाओं का भी तफसीली ज़िक्र मौजूद है। शिकार के इतने रसिए थे कि अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ तरीन लम्हों में भी इस मशगले को तर्क नहीं किया। हज़ारों अशार पर मुश्तमिल कुलियात और नसर की मुतअद्दिद किताबों की
ذہنی صلاحیتوں، وسعت مطالعہ، دنیا کے مختلف علوم اور مضامین پر ان کی کامل دسترس کی گواہی دیتی ہیں۔ وہ خود اس بات کو اپنے ایک شعر میں بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا اس دنیا سے شہید ہو کر گئے ہیں اور یہ ہمارا پشت در پشت ہنر و کمال ہے۔ خوشحال خان کی پہلی شادی 18 سال کی عمر میں جولائی 1631 کو ہوئی۔ بعد میں انہوں نے کئی شادیاں کی مگر ان شادیوں کی مستند تعداد ابھی تک سامنے نہیں آئی، یعنی جو ہے وہ 400 سال گزر گئے، ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ خان بابا نے شادیاں کتنی کی تھیں۔ پرتعیش زندگی، ان کے گھر اچھی اچھی خوبصورت دلہنوں کی آمد کا ذکر خوشحال خان کے کلام میں بکثرت ملتا ہے۔ پہلی شادی سے چند دن پہلے وہ ملیریا میں مبتلا ہو گئے۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، ارد گرد کے بڑے بڑے طبیبوں سے ان کا علاج کرایا گیا مگر افاقہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سسر کے ہاں اپنی شادی کی تقریب میں بھی شریک نہیں ہو سکے اور ان کی دلہن کو ان کی دادی، ان کا نام تھا قذیفہ بی بی، وہ لے کر یعنی اپنے گھر آئیں۔ میعادی بخار کی وجہ سے، جسے ٹائیفائڈ بھی کہا جاتا ہے، دن بہ دن ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی والدہ بی بی یانا اپنے دیگر رشتہ دار خواتین سمیت ان کے سرحانے بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس دوران گاؤں کی کسی ادھیڑ عمر عورت نے ان کی والدہ کو مشورہ دیا کہ خوشحال خان کی بیماری کی اصل وجہ ان کے پسینے کا رک جانا ہے، لہذا ان پر ایک بھاری لحاف ڈال کر مضبوطی سے پکڑنا چاہیے تاکہ ان کے جسم سے پسینہ نکل آئے۔ اس عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خوشحال خان کو بستر پر لٹایا گیا اور اس کے اوپر لحاف ڈال کر ان کے سر اور پاؤں کی طرف گھر کی خواتین بیٹھ گئیں اور ان کے پورے جسم کو لحاف میں اتنی مضبوطی کے ساتھ ڈھانپ دیا جس کی وجہ سے خوشحال خان کا دم گھٹنے لگا۔ کہتے ہیں انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طرح اس لحاف سے چھٹکارا پا سکیں مگر ناکام ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ ان کی والدہ نے ان کے ساتھ سے تھوڑا سا لحاف سرکایا اور اپنے بیٹے کو بے دم پڑا پایا تو ان پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ گھر میں موجود مرد و خواتین نے رونا شروع کر دیا، شور و غوغا مچ گیا اور خوشحال خان کی موت کی خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس دوران ان کے سرحانے بیٹھی ہوئی ایک رشتہ دار خاتون نے دیکھا کہ ان کے نتھروں سے معمولی سی سانس نکل رہی ہے۔ اس نے سب کو پکارا کہ خوشحال خان مرا نہیں، زندہ ہے۔ جلدی سے قریبی طبیب کو بلایا گیا، اس نے دوا پلائی اور اس طرح آہستہ آہستہ خوشحال خان ہوش میں آ گئے، مطلب ان کے دم میں دم آ گیا۔ 17 دنوں کے بعد انہیں ہوش آیا، اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور اپنی دلہن کو بھی دیکھا جو ان کے سامنے بیچاری گم سم بیٹھی ہوئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد 20 سال کی عمر میں باقاعدہ شاعری شروع کی۔ اس دوران انہیں قدرت نے پہلی اولاد اکبر خان کی صورت میں عطا کی مگر وہ 7 دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اشرف خان ہجری پیدا ہوئے جن کا شمار بھی پشتوں کے چوٹی کے شعرا میں کیا جاتا ہے۔ انہی دنوں خوشحال خان کو اپنے والد نے علاقہ عیسیٰ خیل پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر پورے علاقے کو تاخت و تاراج کر کے بہت سا روپیہ اور مال غنیمت لے کر آئے۔ کامیابی کے ساتھ لوٹنے پر ان کے والد ان سے بہت خوش ہوئے، جس کے بعد بلر نامہ کی لڑائی میں بھی، بلر نامہ یا بلر نامہ، یہ اب مجھے نہیں پتا کہ پشتوں میں کیا ہے اس کا مطلب، لیکن میرا خیال ہے کہ بلر نامہ ہوگا، کی لڑائی میں بھی اپنے بہادر بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے، جس میں خوشحال خان کے گھوڑے، جس کا نام انہوں نے سلئی یعنی اندھی رکھا تھا، اس کی ٹانگ میں ایک تیر بھی لگا اور وہ اس گہرے زخم کی وجہ سے بیکار ہو گیا۔ اسی لڑائی میں خوشحال خان کے والد شہباز خان کی کنپٹی میں بھی ایک تیر لگا تھا۔ خوشحال خان نے اپنے والد کو اپنا زخمی گھوڑا دکھایا تاکہ یہ حالت دیکھ کر وہ لڑائی بند کرنے کا حکم دے مگر ان کے والد نہیں مانے اور خوشحال خان کو دوسرے گھوڑے پر سوار ہونے اور آگے بڑھنے کا اشارہ کیا مگر اس دوران ان کا گھوڑا سلئی اور ٹانگ پر زخم کی وجہ سے چلنے سے معذور ہو گیا اور زمین پر گر پڑا۔ خوشحال خان پیدل روانہ ہوئے، مڑ کر پیچھے دیکھا تو ان کے بھائی جمیل بیگ بھی ہاتھ پر تیر کھا چکے تھے اور وہ بھی خوشحال خان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ اس دوران اچانک ایک تیر خوشحال خان کی پنڈلی کی ہڈی میں لگا اور تیر کا سرا ہڈی میں اٹک کر رہ گیا۔ لڑائی میں انہیں قبیلہ یوسف دئی کے ہاتھوں بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لڑائی کے خاتمے پر ان کے والد کی حالت نازک ہو چکی تھی اور وہ گھوڑے پر سواری کی طاقت بھی کھو چکے تھے۔ چنانچہ نیزوں کا ایک اسٹریچر سا بت تیار کر کے اپنے والد کو وہاں سے اٹھا کر میدان جنگ سے لے گئے۔ اس لڑائی میں ایک بھی خٹک سپاہی ایسا نہیں بچا جو بغیر زخم کھائے گھر لوٹا ہو۔
तीर के सिरे को उनकी पिंडली से दो तीन आदमियों ने जंबूर से पकड़कर बड़ी कोशिश से निकाला और कहते हैं कि खुशहाल खान को दांतों पसीने आ गए। इस लड़ाई के 5 दिन बाद उनके वालिद जख्मों की ताब ना लाते हुए वफात पा गए। वालिद की वफात के बाद कबीले की रस्म के मुताबिक खुशहाल खान सरदार चुने गए। उस वक्त उनकी उम्र 28 साल थी। उन्हें 1627 में बाकायदा एक शाही फरमान के ज़रिए मुग़ल शहनशाह शहाबुद्दीन शाहजहाँ की तरफ से भी सरदारी और मनसबदारी अता की गई। उनके पाँव के ज़ख्म को ठीक होने में भी पूरे 40 दिन लग गए। मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद शिकार का शुगल फिर शुरू किया और अपने पीरो मुर्शद कस्तीर गुल हज़रत शेख रहमकार आलमारूफ काका साहब से शर्फ़ नियाज हासिल करने के लिए उनके गाँव चले गए। उनके पीरो मुर्शद और पख्तूनों के मशहूर वली अल्लाह कस्तीर गुल आलमारूफ काका साहब 1653 को वफात पा गए थे। खुशहाल खान उनकी नमाज जनाजा में शिरकत और कन्ना देने की सआदत भी हासिल कर चुके थे। काका साहब से मुलाकात के बाद वापस आते ही कबीला यूसुफ जई से अपने वालिद का इंतकाम लेने की गरज से खटकों का एक लश्कर तैयार किया और उन पर हमले शुरू कर दिए। अगरचे उन्हें अपने चचा बहादुर खान ने बहुत समझाया कि इंतकाम लेने में जल्दबाजी से काम ना लें, मगर वो नहीं माने और यूसुफ जई कबीले के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर दिया। अपनी ज़िंदगी में कबीला यूसुफ जई के ख़िलाफ़ बेशुमार जंगें लड़ीं खुशहाल खान ने और अक्सर जंगों में शिकस्त खाई। मुग़ल हुक्मरानों को साथ देने के लिए बादशाह के हजूर में अपनी खिदमात पेश कर दी और 2000 फ़ौज के साथ मुहिम कांगड़ा में शामिल हुए ताकि किला तादागढ़ को फतह किया जा सके। किला फतह हो गया और इस बहादुरी और कामयाबी के मुग़ल भी मोतरफ हुए। खुशहाल खान ने अपनी ज़िंदगी में कहते हैं 100 से ज़्यादा लड़ाइयों में हिस्सा लिया। मुग़ल हुक्मरानों को खुश करने के लिए ज़्यादातर अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ उन्होंने लड़ाई की। शाहजहाँ के दोनों बेटों औरंगज़ेब और दारा शिको के दरमियान इख्तदार की रस्साकशी में खुशहाल खान ने औरंगज़ेब का साथ दिया और सिर्फ इसलिए दिया कि दारा शिको उनके मुखालिफ कबीले यूसुफ जई के सरदार भाकू खान की तरफदारी किया करते थे। खुशहाल खान ने खुद इस बात का एतराफ़ यूँ किया है कि मेरा ख्याल था कि मुग़लों की नौकरी में इतने सरमायादार बन जाऊँगा, यानी मैं इतना अमीर हो जाऊँगा कि अपने घोड़े के लिए सोने की रकाबें और चांदनी के नाल बना डालूँगा, मगर अब मैं इस पीराना साली में एक ऐसा पख्तून बन गया हूँ कि मुग़लों के ख़िलाफ़ कोई मौका हाथ से जाने नहीं दूँगा। खुशहाल खान पश्तों के वाहिद साफ को और साहिब गुफ्तार व किरदार शायर है जिन्होंने जो कुछ किया उसका बरमला इजहार किया और जो कुछ कहा वो करके दिखाया। जिस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर ने सैयद मीर खौफी यानी अमीर ख़ान को काबुल का सूबेदार मुकर्रर किया तो उसने खुशहाल खान को निशाना बनाते हुए बड़े ज़मींदारों पर नाजायज़ टैक्स लगाने का हुक्मनामा जारी कर दिया जिसकी अदायगी से खुशहाल खान ने इनकार कर दिया। ये एक पठान सरदार की मूलों के ख़िलाफ़ पहली बगावत थी। बाद में उनसे मशवरा तलब करने के लिए के बहाने अमीर खान ने उन्हें पेशावर आने की दावत दी। जनवरी के महीने में 1664 ईस्वी को जुमे के दिन खुशहाल खान पेशावर पहुंच गए, मगर 3 दिन इंतज़ार करने के बावजूद अमीर खान ने उन्हें अपने दरबार में तलब नहीं किया और सिपाहियों ने उन्हें घेरे में लेकर गिरफ्तार करके उनके पाँव में 5 सेर वज़नी बेड़ियाँ डाल दीं। उनकी गिरफ्तारी में उनके चचाओं का भी हाथ था। खुशहाल खान की गिरफ्तारी के खिलाफ उस वक्त के बड़े बड़े ज़िम्मेदारों ने बहुत एहतजाज किया मगर अमीर खान नहीं माना। खुशहाल खान ने सब लोगों को पुरअमन रहने का पैगाम भेजा। उन्हें 2 महीनों तक पेशावर में कैद रखा गया। बाद में उनसे 50,000 रुपये तावान का मुतालबा किया गया जिसे खुशहाल खान ने मुस्तरद कर दिया। अमीर खान ने उन्हें हिंदुस्तान ले जाने का हुक्म जारी कर दिया। हिंदुस्तान ले जाते वक्त वो खुद कहते हैं कि वो घड़ी बड़ी सब्र आजमा थी जब सराय अकोड़ा से गुजरते हुए मैंने अपने साहबजादों उस्मान जीनू और ख़ानदान के दीगर अफराद को देखा। गिरफ्तारी के बाद उनका ख़ानदान अकोड़ा खटक से बंगाल नामी जगह मुंतकिल हो गया। खुशहाल खान मंजिल में मंजिल सफ़र करते हुए 1664 को लाहौर और वहाँ से दिल्ली ले जाए गए जहाँ सख्त बीमारी की हालत में 1 साल तक कैद काटने के बाद किला रणथंभौर मुंतकिल कर दिए गए। मजमूई तौर पर वो 2.5 साल कैद रहे जिसमें पेशावर दिल्ली और रणथंभौर 3 जगहें शामिल है। हिंदुस्तान में ही दिसंबर 1666 में घोड़े से गिर पड़े और टांग में शदीद चोट आने की वजह से कई महीने साहिब फराश रहे। कैद के दौरान उन्होंने मुतअद्दिद गज़लें कसायद रुबाइयाँ और कतात अपनी किताब फिराक नामा की शक्ल में लिखे।
कैद के दौरान उनके ख़ानदान को कबीला यूसुफ़ज़ई ने अपने इलाके मर्दान के नवाह में पनाह देकर आबाद कर दिया। यही वजह थी कि 1668 में अपनी रिहाई के बाद खुशहाल खान कबीला यूसुफ़ज़ई की तारीख में रतबुल लिसान हो गए और उसे अपना मोहसिन और मुरबी तस्लीम कर लिया। जिस वक्त सूबे के गवर्नर और खुशहाल खान के दोस्त महाबत खान ने इलाका यूसुफ़ज़ई मर्दान में 1669 को लंगर कोट किले की तामीर का इरादा ज़ाहिर किया तो खुशहाल खान ने महाबत खान की सख्त मुखालफत करके यूसुफ़ज़ई कबीले का साथ दिया और मरते दम तक इसी कबीले के हमदर्द और बही खा रहे। खुशहाल खान खट्टक को 1668 में कैद से रिहा होकर पश्तून अक्सरियती इलाकों में वापस आने की इजाज़त तो मिल गई, लेकिन उन्हें मुग़लों के गैर दोस्ताना सलूक से जानलेवा सदमा पहुँचा। मुग़ल हुक्काम के साथ साथ मुग़ल शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर की बेहिसी और सर्द मोहरी ने खुशहाल खान की अना को ज़ख्मी कर दिया। वो कहते थे कि मैंने बादशाह या सल्तनत के मफादात के ख़िलाफ़ कोई गलत काम नहीं किया। मुग़ल हुक्काम उनकी खिदमात दोबारा हासिल करने के लिए उन्हें तरह तरह के लालच देते रहे, लेकिन खुशहाल खान ने इस तरह की तमाम पेशकशों को मुसरत कर दिया और मुग़लों पर वाज़े कर दिया कि मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से आपके मकसद की खिदमत की, अपने ही पश्तूनों को मग़लूब और कत्ल किया, मुग़लिया सल्तनत के मफादात को फ़रोग दिया, लेकिन मेरी खिदमात और मेरी वफादारी का ये मतलब नहीं कि मैं भी मुग़ल बन गया हूँ। खुशहाल खान के मुताबिक वो बदला लेने के लिए अंदर से जल रहे थे, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर खामोश रहने को तरजीह दी। मुग़लों को उनकी खामोशी खल रही थी, चुनाचे उन्हें दोस्त या दुश्मन होने का चैलेंज दिया गया और कहा गया कि सल्तनत के मफादात गैर जानिबदारी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, इसलिए किसी एक रास्ते का इंतखाब ज़रूरी है। खुशहाल खान ने दुश्मन बनने का फ़ैसला किया और मुग़लों के खिलाफ लड़ाई में दरिया खान आफरीदी और अमल खान मोहम्मद के साथ शामिल हो गए। पहले उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को मुग़लिया सल्तनत के मामलों से अलग किया और बाद में अपनी मुज़ाहमत का आगाज़ कर दिया। उन्होंने भरपूर तरीके से अफ़गान कबाइल को मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया। उन्होंने दूसरे पश्तून कबाइल से राबता किया और उनकी हिमायत से मुग़लों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुज़ाहमत शुरू की। खुशहाल खान ने खटक, मोहम्मद, आफरीदी और साफ़ी कबाइल की मुग़लों के ख़िलाफ़ बगावत में शमूलियत इख्तियार कर ली। यह वो दौर था जब मुग़लिया सल्तनत में पश्तून कबाइलियों को मुग़ल फ़ौज की बुनियाद समझा जाता था। वो सिर्फ शुमाल मगरब से आने वाले ख़तरों के मुहाफ़िज़ ही नहीं थे, बल्कि पंजाब में सिखों और दक्कन में मराठों की बगावतों के ख़िलाफ़ भी मुग़लों की अहम जंगी क़ुव्वत थे। मगरबी मुहक़्क़ीन ने खुशहाल खान को पश्तों का सिपाही शायर कहा है, क्योंकि 1672 की पश्तून बगावत का आगाज़ जंगजू शायर खुशहाल खान खट्टक की क़्यादत में हुआ। तबारीख के मुताबिक बगावत उस वक्त शुरू हुई जब मुग़ल गवर्नर अमीर खान के हुक्म पर मुग़ल सिपाहियों ने जदीद दौर के कुन्नड़ में साफ़ी कबीले की एक खातून से मुबैना तौर पर छेड़छाड़ और जिनसी हरासाने की कोशिश की। साफ़ी कबीले ने जवाबी कार्रवाई की और मुग़ल सिपाहियों को हलाक कर दिया। मुग़ल सिपाहियों की इस हरकत ने बेशतर पश्तून कबाइल को मुश्तल कर दिया और वो भी आम बगावत में शामिल हो गए। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने साफ़ी कबाइली अमायदीन को हुक्म दिया कि वो मुग़ल सिपाहियों के कातिलों को सल्तनत के हवाले कर दें, लेकिन साफ़ी कबीले के बड़ों ने न सिर्फ इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया बल्कि साफ़ी, आफरीदी, मोहम्मद, शिनवारी और खटक कबाइल बदल के साफ़ी मुलजमान की हिफाजत के लिए मुत्तहिद हो गए। अपने हुक्म पर अमल दरामद और सल्तनत के इख्तियार को दोबारा कायम करने की कोशिश में औरंगज़ेब के हुक्म पर गवर्नर अमीर खान एक बड़ी मुग़ल फ़ौज लेकर दर्रा खैबर में दाखिल हुआ, लेकिन इस फ़ौज को पश्तून कबाइलियों ने घेर लिया और चुन चुन कर एक एक सिपाही को कत्ल कर दिया। अफगान ज़राए का दावा है कि औरंगज़ेब को ज़िल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसे इस नाकाम मुहिम में 40,000 मुग़ल फ़ौजियों के मरने की इत्तला मिली, जबकि कहा जाता है कि गवर्नर समेत सिर्फ 4 अफराद जिंदा दर्रा खैबर से निकल पाए। इसके बाद बगावत फैल गई और मुग़लों को पश्तून पट्टी के साथ अपने इख्तदार के तकरीबन मुकम्मल ख़ात्मे का सामना करना पड़ा।
ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड के साथ अटक से काबुल तजारती रास्ते की बंदिश खास तौर पर अहम थी। 1674 तक हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि औरंगज़ेब ने ज़ाती तौर पर चार्ज संभालने के लिए खुद अटक के किले में डेरे डाले। असलहे की ताकत के साथ सिफारतकारी और रिश्वत खोरी से मुग़ल किसी हद तक इस बगावत के असरात कम करने में कामयाब हो गए, लेकिन वो मरकजी तजारती रास्ते यानी जीटी रोड से बाहर किसी इलाके में दोबारा कभी मौसर इख्तियार हासिल नहीं कर पाए। मई 1670 में उन्हें असहाल की बीमारी लग गई, जिससे 2 साल के बाद शफायाब हुए। इस दौरान उनकी वालिदा और एक बीवी भी वफात पा गई। उनसे उनका एक बेटा बहराम खान इस बात पर नाराज़ हुआ था कि उन्होंने अपनी सरदारी अपने बड़े साहबजादे अशरफ खान हिजरी को क्यों सौंपी, जिसकी वजह से बहराम खान ने अपने वालिद के ख़िलाफ़ न सिर्फ कई लड़ाइयाँ लड़ीं बल्कि कई मरतबा अपने वालिद को कत्ल करने के मंसूबे भी बनाए, मगर नाकाम रहा। काबुल, कश्मीर, सिंध, पंजाब, बदख्शां और बंगाल समेत खत्ते का कोई भी ऐसा काबिल ज़िक्र शहर और इलाका नहीं था जहाँ का दौरा खुशहाल खान ने नहीं किया। उन्होंने हर कबीले और इलाके के रस्म व रिवाज और माशरती ज़िंदगी पर अपना तबसरा भी पेश किया। उन्होंने उस वक्त सवात के एक मशहूर मुल्ला मियाँ नूर के साथ मजहबी मसाइल पर दरख्त के नीचे मुनाजरा भी किया, जिसका तफसीली ज़िक्र उन्होंने अपनी किताब सवातनामा में किया है। 1686 के कहत और वबा में खुशहाल खान की बीवी और 2 बेटे बख्तनाक और निज़ाम के अलावा एक पोता भी फौत हुआ था। बहराम की तरह खुशहाल का दूसरा बेटा आबिद खान भी उनके साथ गुस्ताखी पर उतर आया था। उनका आखिरी दौरे हयात मसाइब व तकालीफ़ तरह तरह की आजमाइशों और इम्तिहानात में गुजरा। मोर हुक्मरानों और अपने ही ख़ानदान के चंद अफराद की रेशा दवानियों और साजिशों से तंग आकर आफरीदी कबीले के इलाके डनबरा में पनाह ले ली यानी तीरा चले गए, जहाँ कुछ अर्सा रहने के बाद कलम व तलवार का ये धनी सनसनी खेज और हैरत अंगेज़ कामयाबियों के बाद 78 साल की उम्र में 20 फरवरी 1689 को इंतकाल कर गया। उनका इंतकाल डनबरा वादी तीरा में हुआ। उनकी मैयत उनकी वसीयत के मुताबिक सराय अकोड़ा यानी मौजूदा अकोड़ा खटक से चंद मील के फासले पर आबादी से दूर एक पहाड़ के कोने में दफन कर दी गई, जाना इस वक्त मौजूद हो। कहा जाता है कि खुशहाल खान खट्टक की बीवियों के अलावा उनके हरम में कनीज़ें भी थीं। बीवियों और कनीज़ों से खान के 60 बेटे और 31 बेटियाँ पैदा हुईं। अब बेटों में अशरफ खान हिजरी, अब्दुल कादिर खान खट्टक, सदर खान, सिकंदर खान खट्टक और कोहर खान खट्टक भी पश्तों के साहिब दीवान शोरा गुजरे हैं। लेकिन एक बड़ी मज़े की बात आपको ये बताऊं कि तहकीक का दायरा बहुत वसी हो चुका है और अब बहुत मुनज़्ज़म तरीके से तहकीक होती है, लेकिन अब तक खुशहाल खान खट्टक की बीवियों की मुकम्मल तादाद मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। खुद खुशहाल खान खट्टक ने को तकरीबन 52 किताबें लिखी, जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे रिसाले भी शामिल हैं, और लेकिन उन्हें अपनी किताबों में सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा किताब थी वो थी बाज़नामा, जिसे वो सबसे ज़्यादा पसंद किया करते थे। एक लुत्फ की बात ये बताऊँ कि खुशहाल खान खट्टक को बहुत से लोग सिर्फ एक शायर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन खुशहाल खान खट्टक असल में क्या थे ये शायद किसी को इल्म ही नहीं कि उन्होंने जो है वो अपनी शायरी के साथ साथ वतन परस्ती और कौम परस्ती का जो दर्स दिया वो कभी नहीं भूलता। खुशहाल खान खट्टक के मज़ार के करीब एक तारीखी बावली मौजूद है। कोई तारीख नहीं इसकी कि जो है वो ये कब की है, लेकिन ये अच्छी खासी गहरी बावली है। अब पानी तो इसमें खुश्क हो चुका, लेकिन ये तारीख की जो है वो याद दिलाती है कि ये आज से कोई 300-400 साल पहले ख़ासतौर पर शेर शाह सूरी से मंसूब की जाती हैं ये बावलियाँ, और ये बावली इस बात की निशानदेही करती है कि जीटी रोड इस वक्त तो खैर ये जीटी रोड से कोई 5-6 किलोमीटर अंदर की तरफ वाक़ है, लेकिन एक ज़माने में जब जीटी रोड बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड या रैली सड़क, तो शेर शाह सूरी ने उसके साथ बहुत सी बौलियाँ सराए और ऐसी जो है वो तामीर करवाई थी, तामीरात, ताकि जो लोग उस शाहरा पर सफ़र करते हैं
वो उन्हें पानी की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ये बावली का मरकजी दरवाज़ा है और सीढ़ियों वाला कुआँ, ताकि लोग नीचे से ले जाकर नीचे जाकर जो है वो पानी भर सकें। अच्छी खासी गहरी, मैंने बताया कि अच्छी खासी गहरी बावली है ये। ये दूर तक बावली की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि अब ये खुश्क हो चुकी है। चलते हैं नीचे तक, देखते हैं चलकर कि क्या सूरत हाल है। सीढ़ियाँ इस काबिल हैं कि नीचे उतरा जा सके, लेकिन अब बावली में पानी नहीं रह गया। मतलब ये कि जो जिस मकसद के लिए ये बनाई गई थी, ज़ाहिर है ज़माना जदीद हो गया, मोटरें लग गई घरों में और अब मोटरें जो है वो पानी खींचती हैं। ये नीचे तक जा रहे हैं हम, सीढ़ियाँ भी अच्छी खासी हैं और नीचे कचरा जमा है बहुत ज़्यादा, तो ये इस बात की निशानी है कि हम अपनी चीज़ों की जो है वो कदर नहीं करते। अच्छा, ये सीढ़ियाँ जो है यहाँ तक लगता है कि कभी पानी हुआ करता था, अब जो है वो ये बिल्कुल सामने है। टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। ये मैं मज़ीद नीचे जा रहा हूँ, मेरा ख़्याल है कि कम अज़ कम कोई 60-70 सीढ़ियाँ लाजमी इसकी होंगी। ये कुएँ की तह जिसमें अब सिर्फ जो है वो कचरा बाकी रह गया है, पत्थर बाकी रह गए हैं, बावली ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ नाम रह गया है कि यहाँ कभी बावली हुआ करती थी। ये जनाब सामने दीवारें काई ज़्यादा चौरस अंदाज में बनी हुई है, गोलाई में नहीं है ये नीचे से, लेकिन क्या कमाल की ठंडक है। ना किसी पंखे की ज़रूरत है और ना जो है वो किसी एयर कंडीशन की ज़रूरत है। ये जनाब मैं इसके वस्त्र में खड़े होकर आपको इसका ऊपरी हिस्सा दिखा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम ये कोई 80 से 100 फुट गहरी ज़रूर होगी। और ये इसकी दूर ऊपर सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं। बावली ख़त्म हो चुकी, लेकिन बहरहाल उसका निशान बाकी है। और ये भी है कि जी इस ज़माने में जीटी रोड, यानी मौजूदा दौर की जो जीटी रोड है, मैंने बताया ना कि यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर के फासले पर, लेकिन एक ज़माने में यकीनी तौर पर जीटी रोड इस बावली के नज़दीक से गुज़रती होगी। ऊपर चल रहे हैं वापस, हसबे मामूल सांस फूल नहीं है, लिहाजा सिर्फ सीढ़ियाँ दिखाऊँगा, बोलूँगा नहीं। तय करता है इसकी 6 मेहराबें हैं और वो सामने कुआँ है, यानी सीढ़ियों और कुएँ के दरमियान अच्छा खासा फासला है। ऊपर खुश्की है और 100 सीढ़ियाँ कम से कम होंगी चीज़ की, गिनी नहीं है मैंने, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है कि 100 सीढ़ियाँ गहरी ये बावली है। खुशहाल खान खट्टक की ज़िंदगी का एक दिलचस्प पहलू ये है कि मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जब पहली बार हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दर्रा खैबर के रास्ते खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में या सूबा सरहद कह लें या अफगानियों में दाखिल हुआ, तो उस वक्त उसे पठानों की या पख्तूनों की शदीद तरीन मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। चुनाचे उसने पठानों से दोस्ती करने के लिए या पठानों से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए यूसुफ़ज़ई पठान कबीले की एक लड़की बीबी मुबारका से शादी कर ली। मुग़लों और पठानों की ये रिश्तेदारी और दोस्ती उस वक्त तक चलती रही जब तक खुशहाल खान खटक ने बगावत नहीं कर दी। यूँ ये कहा जा सकता है कि ये बागी पख्तून शहज़ादा सिर्फ वतन परस्त और कौम परस्ती नहीं था, बल्कि ये मुग़लों की 150 साल की दोस्ती और रिश्तेदारी ख़त्म होने का बायस भी बना। यानी अगर खुशहाल खान खटक
औरंगज़ेब आलमगीर के ख़िलाफ़ बगावत न करते तो ये दोस्ती उसके बाद भी चलती रहती। आप इस बगावत की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस बगावत को कुचलने के लिए पहले औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी एक फ़ौज रवाना की, लेकिन उस फ़ौज को नाकामी हुई तो औरंगज़ेब आलमगीर ख़ुद दिल्ली से चलकर पहले जो है वो सराय आलमगीर के मकाम पर ठहरा और उसके बाद उसने अटक में मुस्तकिल डेरे डाले। लेकिन तारीख गवाह है कि खुशहाल खान खट्टक की बगावत के बाद मुग़लों और पठानों की दोस्ती या रिश्तेदारी दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकी। और जब तक मुग़ल बरसर इक़्तदार रहे, पख्तून उनके ख़िलाफ़ बरसर बेकार रहे, जो मुग़ल बड़े मान से बड़े एतमाद से पठानों को अपना दोस्त कहा करते थे, खुशहाल खान खट्टक ने उसमें एक ऐसा जो है वो फुल स्टॉप लगा दिया कि दोबारा ये दोस्ती कभी उस मकाम तक पहुँच ही नहीं सकी। मुग़लों के जवाल के ज़माने में पठानों ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया, क्योंकि बहरहाल वो भी पठान थे, और नादिर शाह अफशार का साथ दिया, तो यूँ कहा जा सकता था कि वही पठान जिन्होंने कभी मुग़लों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद दी थी, उनके जवाल में उन्हें आखिरी धक्का भी इन्हीं पख्तूनों ने दिया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ खुशहाल खान खटक थे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।